लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमित, देखिए आपका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज बताइए ना क्या बात है। मंतशा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं? किसने कह दिया? तुम्हारे अब्बू ने। मगर क्यों? पता नहीं, आजकल उन्हें क्या हो गया। जब भी उनसे कोई बात करती हूँ तो वो किसी ना किसी बात को लेकर मुझे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देते। आज फिर उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? आज जब मैं अबीर के बारे में उनसे बात करने गई और मैंने उनसे कहा कि अभी और क्या क्या कर रही है हमें तबाह करने के लिए, तो उन्होंने बिना कुछ कहे सुने उल्टा मुझे गलत समझ लिया। अम्मी, अगर अब भी अब्बू ने अबीर को नहीं समझा तो वो सबसे पहले अब्बू को ही तबाह करेगी। हाँ बेटी, किसी पर यकीन करना गलत नहीं है, मगर ऐसा भी क्या यकीन कि सामने वाला हमारी जान ले ले और हम कहते रहे कि नहीं वो कोई और था। लेकिन अम्मी, करें क्या? अब्बू तो अबीर के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं है। कोई जानबूझकर मक्खी निगलता है क्या? लेकिन तुम्हारे अब्बू ऐसे ही हैं। आज उन्होंने जिस तरह की बातें की उससे तो ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। आज उन्होंने मुझे बेगाना कर दिया। बस वो अबीर पर भरोसा करते रहेंगे और वो अपना काम करके चली जाएगी। पता नहीं लोग मर क्यों जाते हैं। अम्मी, खुद तो मर गई और सारी जिंदगी के लिए मुसीबत छोड़ गई ताकि मैं कभी भी जिंदगी में सुकून से ना जी सकूं, मर मर के जीती रहूं। असल में गलती मेरी ही थी, जो सब कुछ जानते हुए मैंने ये सब किया। आज जो कुछ भी हुआ अपनी उस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। अम्मी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? और क्या करूं, अब जिंदगी में कुछ बचा ही क्या है? अम्मी, आप अब्बू की वजह से हम सबको गैर बना देंगी। अब्बू बुरे नहीं है, बस उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। और जब पर्दा उठेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अम्मी, आप किसके मरने की बात कर रही थी? किसने आपका सुकून छीना है? नजमा, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। बिना कुछ जाने मुझे जिम्मेदार ठहराने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ओह, अब तुम मुझसे हक के बारे में कहोगी? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी ना, हक के बारे में तुमसे ज्यादा और कौन जान सकता है। बात को घुमा फिराकर मत कहो, हकीकत सुनना चाहती हो तो सुनो। ये जानते हुए भी कि यवर साहब शादीशुदा है, तुमने उन्हें अपनी जाल में फंसाया, उन्हें मुझसे छीना, उन्हें गैर बनाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद ही मुझसे निकाह करना चाहते हैं। घर में बीवी और बच्चा होते हुए कोई दूसरी शादी क्यों करेगा? ये तुम मुझसे क्यों कह रही हो? जहां तक मैं जानती हूँ, कोई मर्द दूसरी औरत को तब तलाश करता है जब उसकी पहली बीवी में कोई कमी हो। ठीक कहा तूने, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। अरे अगर मुझ में कोई कमी नहीं होती तो आज तुम इस तरह से मेरे सामने खड़े रहकर मुझसे ये सारी बातें नहीं करती। अपना घर कह लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये घर मेरा होने वाला है। तुम औरत नहीं, डायन हो, डायन। वरना एक औरत किसी दूसरी औरत का घर कभी नहीं तोड़ती। अगर तुम्हें हिम्मत है तो रोक लो। मुझ में कितनी हिम्मत है ये तो खुदा ही तुम्हें बताएगा। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे शौहर से कैसे निकाह करती हो। अच्छा है, खुद को झूठी तसल्ली दे रही हो। जिस बात पर तुम इतना इतरा रही हो ना, ना वो कभी तुम्हारा था, ना है, ना होगा। मैं इतरा नहीं रही हूँ,
बल्कि तुम्हें हकीकत से डर लग रहा है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तुम हार गई। जिंदगी सिर्फ कहने के लिए छोटी होती है, लेकिन जहां तक हार जीत का सवाल है वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। किसी को धोखा देकर तुम जीत सकती हो, लेकिन जब झूठ पर से पर्दा उठेगा तब तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं कहां की रहूंगी और कहां की नहीं रहूंगी इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम तो फिलहाल खुद को संभालो। अगर तुमने मेरी जिंदगी में खलल डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें जिंदगी से नफरत हो जाएगी। उसने जो कहा वो कर दिखाया। हमारा तो जीना हराम हो गया। हमने सोचा था घर से चली जाएगी तो कम से कम सुकून से जी तो पाएंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। घर से जाने के बाद तो उसके और पर निकल आए हैं। मैं अबीर की नहीं नजमा की बात कर रही हूँ। अम्मी आप भी ना, परेशान आपको अबीर कर रही है और गुस्सा आप नजमा पर निकाल रही है। हाँ, ये जो कुछ भी किया धरा है सब नजमा का किया हुआ है। उसकी खुद तो हिम्मत नहीं हुई मुझसे बदला लेने की, इसलिए अबीर को बदला लेने के लिए छोड़ गई है। सब एक ही खानदान का किया धरा है, नजमा, अबीर, नासिर। नजमा तो दुनिया में रही नहीं, इसलिए अबीर को छोड़ गई है। और सिर्फ नजमा ही नहीं बल्कि उसका भाई नासिर भी शामिल है। वो बहुत ही चालाक और होशियार आदमी है। आज अबीर जो कुछ भी कर रही है सब नासिर के कहने पे कर रही है। अम्मी, नासिर शामिल है ये आप किस यकीन के साथ कह सकती हैं? हालात को देखते हुए मैंने यही नतीजा निकाला है। अब तो अबीर के इरादों और मंसूबों का पता लगाना है, वरना हम फिर बेवकूफ बन जाएंगे और वो अपना काम करके निकल जाएगी। हाँ, लेकिन उसके मंसूबों और इरादों का हम कैसे पता लगाएंगे? मैं एक बार फिर नासिर के घर जाऊंगी, क्योंकि हमारी मंजिल का रास्ता नासिर के घर से होकर गुजरता है। आना? आना? आप आ गए भाईजान, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं आना, चाय नहीं, कॉफी पीऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी। क्या बात है ना, आज घर में हंगामा नहीं हो रहा? कहाँ है अम्मी और बाजी? भाईजान, ये सुकून शायद आने वाले किसी तूफान की वजह भी हो सकती है। सही कहा ना, इस घर में सुकून और खामोशी के बाद लड़ाई झगड़ा होना जरूरी है। वैसे आना, इन लोग है कहाँ? किसी कमरे में बैठकर किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे होंगे, या फिर भाभी जान कितनी बुरी हैं, उन्होंने कितने गलत काम किए हैं ये दुनिया वालों को कैसे बताएं, इस पर गौर कर रही होंगी। आना, ये भी तो हो सकता है कि अम्मी और भाजी बात कर रही हो। क्या आना बहुत बदतमीज हो गई है, घर वालों को छोड़ दिया और भाभी जान की तरफदारी कर रही है। आना को जल्दी से घर से निकाल देना चाहिए, कोई अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर तो अम्मी बाजी ये भी सोच रही होंगी कि ताहा भी अना की तरफदारी करता है, उसे भी किसी ऐसी जिम्मेदारी में उलझा दो कि उसे कुछ और सोचने की फुर्सत ही न मिले। इसके लिए कोई नखरे वाली झगड़ालू जमाने भर की बिगड़ी हुई लड़की के साथ ताहा का निकाह कर देना चाहिए और उसके गले में रस्सी डाल देनी चाहिए। नहीं ना, बात में मजा नहीं आया। क्यों भाईजान, आपको इससे भी बुरी शरीके हयात चाहिए? नहीं ना, अम्मी और बाजी रिश्ते जोड़ने का सोच भी नहीं सकती, बल्कि भाईजान और भाभी जान के जुड़े हुए रिश्ते को भी हो मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे आना, जाकर देखो अम्मी कहाँ है। मैंने ऑफिस से फोन किया था, कह रही थी बहुत परेशान है। जा देखो। जी भाईजान। बाजी, अम्मी कहाँ है? वो भाभी जान को घर वापस लाने के लिए गई है। आप होश में तो है? अम्मी भाभी जान को घर वापस लाने के लिए जाएंगी? ये बात तो यकीन करने जैसी नहीं है। वो अपनी खुशी से नहीं गई है, अब्बू की नाराजगी से मजबूर होकर गई है। आज अम्मी जान मजबूर है पर भाभी जान मजबूर नहीं। अम्मी ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था, इस घर में उनका जीना दुश्वार कर दिया था उन्होंने,
और उन बातों को याद करके मुझे नहीं लगता कि भाभी जान इस घर में अब वापस आएंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कहते हुए? इन बातों पर मुझे शर्म आती है और उस वक्त भी आती थी जब आप और अम्मी जान भाभी जान के साथ बुरा बर्ताव करते थे। तुम्हारे दिल में भाभी जान के लिए बहुत दर्द भरा है ना, तो जाओ तुम जाकर उन्हें वापस ले आओ ना। तुमने और ताहा ने अपनी चालाकी से अब्बू की गलत फहमी तो दूर कर दी, अब तो कोई रुकावट भी बाकी नहीं है। अगर मैं भाभी जान को वापस लेकर आ गई तो जिन लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है उन लोगों की परेशानी तो आसानी से दूर हो जाएगी। और फिर बुला तो उन्हें अब्बू भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भी यही चाहते हैं कि जिन्होंने गलती की है वो अपनी गलती का एतराफ करके भाभी जान को इस घर में वापस लेकर आए। हाँ, उस वक्त तुम्हें तो बहुत खुशी होगी। बात मेरी खुशी की नहीं, हक और इंसाफ की है। अम्मी को घर वापस आ जाने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। एक मिनट बाजी। अम्मी अगर भाभी जान को लेकर वापस नहीं लौटी तो इस घर में जैसे अम्मी ने भाभी जान का जीना दुश्वार कर दिया था, वैसे ही अब्बू अम्मी को सुकून से नहीं जीने देंगे। हेलो, कैसी हो बेटे? अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। बेटा, हमने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है। हमें तो आपसे बात करने का हक भी नहीं है, ना ही आपकी खुशियों में शामिल होने का। अब्बू, इंसान जानबूझकर कुछ नहीं करता, सब तकदीर का खेल है। मुझे इस घर से निकलना ही था तो अम्मी और मंतशा बहाना बन गए। आपकी ये बात बिल्कुल सही है बेटे। आपने इस घर को छोड़ने के बाद बहुत तरक्की की है और हम बहुत खुश हैं। बेटे, जो प्रोजेक्ट हम हासिल नहीं कर सके उसे आपने हासिल कर लिया। अब वो उस प्रोजेक्ट को ताहा ने छोड़ दिया था, रिदा उसे हासिल करना चाहती थी। कि मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जिंदा नहीं रहती। मुझे अपने हारिस के नाम को जिंदा रखने के लिए जीना है, उनकी निशानी बिलाल को किसी काबिल बनाने के लिए जिंदा रहना है। बेटे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जब हमें यह पता चला कि आपने हारिस के प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया तो हम यकीन मानो बहुत खुश हुए बेटे। ये तो अच्छा हुआ आप इस घर से चली गई, वरना आप इस घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाती और शायद हारिस का प्रोजेक्ट हासिल ना कर पाती। नहीं अबू, वो कैद खाना नहीं, बहू के लिए ससुराल तो दुनिया की जन्नत होती है। बस मैं ही बदनसीब हूँ जो अपनी जन्नत से दूर करती गई। आप हमें माफ कर दो। अबू, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आज आपकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। अगर आप मुझे बहुत तस्लीम ना करते, मुझे अपने घर में जगह ना देते तो मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारती? अल्लाह के सहारे बेटे। बेटा, जिसका कोई नहीं होता ना उसका अल्लाह ताला होता है। लेकिन एक बात बताइए, आपको मेरा ये नया नंबर किसने दिया? अना ने बेटे। अब बेटा, जब हमें पता चला कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो हमें बहुत तकलीफ महसूस हुई। बेटे, हम तो शशुपंच में पड़ गए आपको फोन करें
देना, हम एक बात जानते हैं, अगर गुनेगार अपनी गुनाह से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला भी उसे माफ कर देता है। बेटे, क्या आप अपने अब्बू को माफ नहीं करेंगे? हमने आपको कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा है। लेकिन बेटे, ये बात भी सही है, अगर बेटी समझा होता तो निगार की कहने पर आपको घर से नहीं निकाल देते। अबू, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। बस आप यही कहिए कि क्या हुक्म है। हुक्म नहीं, इल्तिजा है। बेटे, दिल लगाकर अपना बिजनेस करो। और हाँ, अगर कभी कभी भी आपको अपने अब्बू की जरूरत पड़े तो याद कर लेना बेटे, आपके अब्बू हाजिर हो जाएंगे। बेटे, इस वक्त हमारा दिल चाह रहा है कि आपको आपको घर वापस बुला लें। लेकिन बेटा, हम आपकी तरक्की के बीच नहीं आना चाहते। बेटे, अगर आप निगार को माफ कर दें और वो अपनी गलती मान जाए तो आप बेशक इस घर में वापस लौट सकती हैं। बेटा, हम ही नहीं, इस घर का कोना कोना आपको याद करता है, आपकी कमी महसूस करता है। बेटे बेटे, आप क्या गई, इस घर की रौनक, इस घर की खुशियां चल गई। बेटा, आपके अब्बू से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। हो सके तो आप भी हमें माफ कर दो बेटे, माफ कर दो हमें, माफ कर दो। आई थी मगर नासिर ने झूठ बोल दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगी। कहिए, अब कौन सा इल्जाम लगाने आई हैं आप? बेटी, मुझे माफ कर दो। बेटी, मुझे माफ कर दो और घर वापस चलो। तुम्हारे बगैर घर वीरान सा लग रहा है। वाकई मीठा बोल रही है? फिर इस मिठास के पीछे कोई सह छुपा है? जो चाहे कह लो बेटी, आज कहना तुम्हारा हक है और सुनना मेरा फर्ज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बस मुझे माफ करके मेरे साथ घर चलो। अम्मी, माफ कीजिए, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं आ सकती। अगर आपको एक बहू की जरूरत है तो आप यहाँ आकर मेरे साथ रह सकती हैं। ये तो नामुमकिन है बेटी। कुछ बातें आपके लिए नामुमकिन है, कुछ बातें मेरे लिए। तो जब तक ये नामुमकिन मुमकिन ना बन जाए, हम दोनों एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकते।